दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं वही बात करना चाहूंगा कि गाने किस इंग्रेडिएंट से हिट हुए थे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये पार्ट बताया कि ऐसे बहुत सारे पार्ट थे उस गाने के अंदर जो उस गाने को, और माने ना वो जो वाला पोर्शन है वो लोगों को कहीं ना कहीं टच कर जाता है या कुछ यूनिक सा लगता है। तो और कुछ गाने देखते हैं और बाद में आप भी अपनी राय रखिए कि मुझे ये गाने में ये अच्छा लगा था, मुझे ये गाने में ये अच्छा लगा था। सो ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। दोस्तों ये जो गाना है, आप बताइए, इसके अंदर ऑर्गन के कुछ पार्ट्स थे तो मुझे वो अच्छे लगे थे। लेट मी फाइंड आउट इफ आई कैन फाइंड आउट दी ऑर्गन, मतलब बाद में संतूर और अपना ही साया देख के तुम जाने जा, और वगैरह वगैरह। सेकंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, संतूर और अकुसी गिटार का पार्ट है। और दूसरा एक गाना लेते हैं हम, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। अब इसके अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी थी ये बताना, और इसका एक म्यूजिक हिंट देता हूं मैं आपको कि ता तारा रा 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 तारा रा 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 टा, उसके बाद फ्लूट पार्ट वगैरह है। आपको क्या अच्छा लगा वो आप बताइएगा। और दूसरा एक गाना है जो मैं आपको, एक्चुअली वो एक बेसिकली इंग्लिश गाना है, उस पैटर्न पे जो गाने बने थे उसका कॉपीड नहीं है वो, लेकिन अरेंजर सेम थे, यानी बिड्डू उनके लिए भी अरेंज करते थे कि डांस लिटिल लेडी डांस डा 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 डा, ये गाना था उसका पैटर्न था, आपको शायद ना सुनाई दे। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। तो इसमें वो था एक, और बेस पैटर्न था, और क्या अच्छा आपको लगा था। तो एक तो क्योंकि लिरिक्स इसके समझ में नहीं आए थे, अलग से न्यूज़पेपर में इसके लिरिक्स आते थे, वो गाना इतना पॉपुलर हो गया था। सो ओके, और एक गाना है, ओ हो 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 खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ हो खोया खोया चांद। इसमें आपको क्या अच्छा लगा था, मे बी आलाप या इसका म्यूजिक या पता नहीं, मैंडोलिन पार्ट था उसमें, फ्लूट पार्ट्स थे, आपको क्या अच्छा लगा प्लीज बताइएगा। और एक गाना ले लेते हैं, ओके ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहां कोई नहीं, के तेरा यहां कोई नहीं। आपको ये गाना सुनिएगा और आप प्लीज कमेंट करिए गाना आपको क्यों अच्छा लगा था, कि जैसे अलग अलग अंत रहे कि आए मिलने गले चले हम ससुराल चले, तेरी आंगन में बस अपना बस बचपन छोड़ चले। डफ कर, कल भी सूरज निकलेगा, ये सारे रिदम के जो चेंजेस है अद्भुत है।
वो एक डफ पार्ट, डफ के बाद जो चेंजेस है, और इसमें एक नया ठेका, मतलब नया, इसके पहले शायद इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं हुआ था, वो सिंकोपेटेड ढोलक का पैटर्न है, वो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी प्यारे जी का संगीत है इसमें इसमें। और दोस्तों, सलील दा के बारे में मैं बहुत कुछ कहूँगा। परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। दोस्तों थोड़ा सा नीचे टेबल रख के मैनेज करना पड़ रहा है, थोड़ा सा सुर इधर उधर हो जाएंगे, बहुत कुछ चल रहा है। बट द सॉन्ग, इसके अंदर मुझे ढोलकी बहुत अच्छी लगी थी, और मैंडोलिन पार्ट है, इसकी अरेंजमेंट्स जो है, बाप रे। उसके बाद और एक गाना लेते हैं। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। इसके जो फिलर्स है, मतलब ये सब जो पार्ट्स है ना, कि तारा धरण तरण चलेगी ना 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 ना, वो जो सारे पार्ट्स है आप प्लीज सुनिएगा। इतना अच्छा इंटरेक्शन मुझे फिलर्स का शायद ही किसी गाने में लगा है, इतना अच्छा फीलर्स को ऐसे जोड़ जोड़ के बनाया है गाना ये। यानी ये गाना बिना फीलर के कैसा लगेगा, ऐसा लगता है कि खाली जा रहा है, ऐसा लग रहा है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। बाद में आप सुन लीजिएगा वो, और आपको क्या अच्छा लगा इसमें, सेक्सोफोन अच्छा लगा, अकॉर्डियन अच्छा लगा, या कुल मिला के दोनों का संगम अच्छा लगा, या वाइब्रोफोन का इस्तेमाल हुआ है इस गाने के अंदर, अद्भुत इस्तेमाल किया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, कैसी जी ने इसमें लिख के नहीं बजाया था, वो शायद रिहर्सल में भी नहीं, सीधा फाइनल रिकॉर्डिंग में बजाया था, ऐसी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, पर ये साइटेशन नीडेड। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आके किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, वन जाना ढूंढती हूं। तो इसके जो फिलर्स और बहुत कुछ है, मुझे जो इसमें अच्छा लगा था वो इसके ब्रास पैटर्न थे, मतलब ये, और इसके जो फिलर्स हैं, ये स्ट्रिंग बेचारा बहुत ये नहीं है क्योंकि इसके इंटरनल साउंड है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज ट्रमेंडसली गुड। मैं कभी इसको कंप्यूटर पे ऑन करके इसके बारे में बताऊंगा, इसका ड्रम सोलो इंट्रो में, और बहुत सारे वेरिएशंस है। तो आपको क्या अच्छा लगा इसके अंदर, गाना सिंगिंग आशा जी का और रफी साहब का? ओहो अद्भुत। यस, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, तरर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 
बाबूजी धीरे चलना। अभी इसके जो पार्ट्स है वो तो बहुत क्यों खोए हुए सर झुकाए। ये गाना ऐसा था कि क्वालिफिकेशन है, अगर ये गाना आप बजा सकते हो, मतलब आप जैसे तीसरी मंजिल गिटारिस्ट के लिए था, तो वैसे ये वाला जो पढ़ और ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी थी ना, मतलब ये वाला एक्सरसाइज इसमें है, तो इट्स फन।
आपको क्या अच्छा लगा? सिंगिंग बहुत अच्छी है, कंपोजिशन बहुत अच्छा है। और तो दोस्तों मुझे लग रहा है 10 मिनट हुआ है, लेट मी टेक वन सॉन्ग। ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। ये दिल, अब ये तीन गाने साथ में लेने पड़ेंगे, गड़बड़ हो गई। ये कंसेप्ट है, इट इज़ द बेस्ट कंसेप्ट अबाउट मुंबई, जिसको उस जमाने में बॉम्बे कहते थे पर बम्बई कहते थे। वो इतना बेहतरीन लिखा गया है, इसको पिक्चराइज और एक्ट और सारी चीज़ें, मतलब टोटालिटी में इतना अच्छा है कि ये गाना आज भी अमर है। मतलब और एक गाना है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये गाना भी बहुत अच्छा कंसेप्ट था, इसके पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि स्ट्रेट अवे गाना स्ट्रेट लिखा हुआ है। क्योंकि देखो, जब गाना बनता है, वो गाना बनने के पहले किसी को पता नहीं होता है कि राइटर क्या लिखेंगे या डायरेक्टर क्या सोच रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ डालना बहुत बहुत ही बेहतरीन बात लगी थी मुझे। और एक कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा था, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, डा 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 डा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम, वेरी ये वो है डब्लू डब्लू। सो ये तीनों गाने एज कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा था कि ये सारी फिल्मों के टाइटल से गाना इतना अच्छा किया था। एंड दैट कंसेप्ट कि कमल हसन इज डज नॉट नो हिंदी, और उनमें जो वो कॉन्फ्लिक्ट है तो वो गाना कैसे इजहार करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। सो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट 1,000 गाने इस तरह से आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा मिशन है टू कीप द सॉन्ग्स अलाइव। मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं इनको आगे तो बढ़ा ही सकता हूँ। तो अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, आप इसको शेयर करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, वो बटन दबाएंगे, बेल आइकन दबाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ प्लीज़ करिए, ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचे। क्या होता है, नॉर्मली अक्सर किससे ही शेयर किए जाते हैं कि भाई उस वक्त ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा कह दिया था, फिर वो रो पड़े और फिर ये हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत एस्टेब्लिश हो चुकी है, और इनमें से भी कई सारी बातें हैं रफ़ी साहब के बारे में, या तो मैं कहना चाहूँगा, उसमें भी क्लैरिफिकेशन के कुछ वीडियोस हैं, पर वो लेटर आगे चल के व्यूअरशिप बढ़ती जाएगी, वैसे मैं डालते जाऊँगा। पर मेरा मकसद है कम से कम 1,008 गाने मुझे डालने हैं इस YouTube के चैनल पे, मुखड़े मुखड़े एटलीस्ट, और उसके बारे में बोलना है। तो मुझे आपका सहकार चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।